हेलो गाइस, ये है टीटू और आप देख रहे हैं टीटू पैरोट। सो गाइस, आज मैं इस चैनल पे आपको बताने वाली हूँ कि पैरोट को गर्मियों के सीज़न में किस तरीके से देखभाल करना है, उसे किस तरीके से रखना है और आप इसे कहाँ रखें कि ये सेफ़ रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पैरोट को लू लग जाता है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण पैरोट की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले जल्दी से सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हाँ गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो बिना कुछ देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 3-4 ही पॉइंट बताऊंगी जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पैरोट यानी तोता का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकते हैं। सो पहला पॉइंट आपका ये आता है कि उसे नहलाना है, लेकिन उसे रोज़ बिल्कुल भी नहीं नहलाना है, एक दिन का गैप करके उसे नहलाना है, ताकि आपका तोता जो है वो फ्री भी महसूस करे और उसे गर्मी भी ज़्यादा ना लगे। और दूसरा आता है आपका टेम्परेचर। अगर आपका गर्मी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री तक है तो नॉर्मल है, वो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री है तो आपके तोते को प्रॉब्लम होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि उसे घर में रखें, फैन के नीचे रखें, ताकि वो भी कुछ रिलैक्स महसूस कर सके। और हाँ गाइस, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप अपने तोते को ORS का घोल या फिर ग्लूकोज का घोल दे सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके तोते को गर्मी कम लगेगी और वो काफ़ी तरीके से एडजस्ट रहेगा और उसे अंदर से ठंडा फील होगा। अब बात आती है AC की। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि तोते को क्या हम AC में रख सकते हैं। तो गाइस, मैं उन सारे लोगों को और आप लोग से भी कहती हूँ कि आप तो अपने तोते को बिल्कुल भी AC में ना रखें, क्योंकि AC में रखने से उन्हें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। सो गाइस, ये कुछ पॉइंट है जिससे आप अपने तोतों का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं इन गर्मियों में। सो गाइस, अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तोते को लेकर के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे जहाँ तक होगा मैं आपकी हेल्प करूँगी और तोते के बारे में और भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।